नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ पार नंबर 5 कविता नंबर 5 धमक धमक आता हाथी एना विषे माहिती मेळवी હતી અને આજે હવે આપણે એના સ્વાધ્યાય વિશે માહિતી મેળવીશું। कवि प्रयाग शुक्ल जी द्वारा रचित कविता धमक धमक आता हाथी। गई फेरा आपने कविता गान पण कर्युं हतुं, जेने तमारे मौखिक तैयार करना छे, गावानी छे। अने एना पछी पेज नंबर 26 पर जो चित्र के आधार पर कहानी कहीए, पेज नंबर 26 पर चित्रों आपेला छे चार, જેમાં જંગલનું દ્રશ્ય છે, સિંહ છે અને બીજા પણ વિવિધ પ્રાણીઓ આપણને જોવા મળે છે। તો આ ચિત્રના આધારે આપણે કહાની બનાવવાની છે। કહાની એટલે વાર્તા, ગુજરાતી વાર્તા કરતા હોય હિન્દીમાં કહાની કહીએ। તો ચિત્રના આધારે ચિત્ર જોઈ જોઈને આપણે એમાં શું થઈ રહ્યું છે એનું વર્ણન કરવાનું છે, એની કવિતા આપણે સોરી કહાની આપણે બનાવવાની છે। तो ध्यान थी सांभ ने हुए ये कहानी अपनी निबंधी बुक में पण छे, अरे हूँ मौखिक तेने वर्णन करू छु। चित्र नंबर 1 ने ध्यान थी जुओ। चित्र नंबर 1 में एक जंगल का बहुत बड़ा दृश्य है। उसमें सिंह जंगल का राजा सिंह बैठा हुआ है और उसके इर्द-गिर्द कई जंगल के प्राणी हैं। तो कहानी इस प्रकार बनेगी। एक बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में एक भयंकर सिंह रहता था। वह किसी भी समय किसी भी प्राणी को जब चाहे तो मार देता था और इसमें से थोड़ा सा खाता था और बाकी सब ऐसे ही बना रहता था। तो इसी प्रकार प्राणियों की संख्या बहुत कम होती गई। सब प्राणी शेर से त्राहित, सिंह से इस कृत्य से त्राहित थे, इसलिए सब प्राणी अपने जंगल में इकट्ठा हुए और इन सब ने जंगल में अपनी सभा लगाई और फिर कहने लगे कि दिन ब दिन इस जंगल में सिंह के कारण हमारी संख्या कम होती जा रही है, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। तो किसी प्राणी ने उपाय बताया कि क्यों ना हम हमारे में से एक एक प्राणी को हर रोज सिंह के पास उसके शिकार करने के लिए भेजे, ताकि वह दूसरे प्राणियों को मारे नहीं। तो सब प्राणियों ने कहा कि सही बात है, हम शेर सिंह के पास जाएंगे और उसे यह बात करेंगे। सब प्राणी मिलकर सिंह के पास पहुंचे और अपने दोनों अगले पैर यानी हाथ जोड़कर वहीं खड़े रहे और कहने लगे कि महाराज, आपको इस प्रकार जंगल में प्राणी का शिकार करने के लिए निकलना पड़े, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। आपको शिकार के लिए जंगल में भटकना पड़े ऐसा आप नहीं देख सकते, इसलिए हमारी एक विनती सुने आप, हमारे में से एक एक प्राणी हर रोज
आपकी सेवा में आपके शिकार के लिए यहाँ आपके पास आएंगे और आप उसका शिकार करना, जिसके कारण आपको शिकार के लिए जंगल में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सिंह ने सभी प्राणियों की बात सुनी और कहा कि आपकी बात ठीक है, मगर जिस दिन मेरे पास कोई प्राणी नहीं आया उस दिन में आप में से बहुत सारे प्राणियों को मार डालूंगा। सब प्राणियों ने सिंह का आभार व्यक्त किया और वहीं से हर रोज वह एक एक प्राणी को सिंह के शिकार के लिए उसके पास भेजने लगे। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि मरना तो वैसे भी है, तो फिर जाते हैं, इसमें जल्दी क्या है। और खरगोश बहुत देर तक जंगल में घूमता रहा और बहुत देर के बाद वह शेर के पास, सिंह के पास पहुंचा। उधर सिंह की हालत भूख से बहुत कठोरी हो गई थी, इसलिए वह धुआं धुआं हो गया, वह गुस्सा हो गया और खरगोश को कहने लगा कि दुष्ट, एक तो छोटा सा है फिर भी बहुत देर से आया, अब मैं इसका प्रतिशोध सारे प्राणियों से लूंगा। खरगोश ने दोनों हाथ जोड़े और नौटंकी करते हुए कहने लगा कि महाराज, देर से आने में मेरा कोई दोष नहीं है, पर मैं क्या करता, जंगल में दूसरा शेर मुझे मिल गया, उसने मेरा रास्ता रोका और कहने लगा कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कि मैं तो जंगल के महाराजा शेर के पास उनके भजन के लिए जा रहा हूँ। तो वह दुष्ट मुझ पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि जंगल का राजा तो मैं हूँ, और कौन है। तो फिर मैंने किसी तरह उससे अपनी जान बचाई और आपके भजन के लिए ही उपस्थित हुआ। खरगोश की बात सुनी और शेर गुस्सा से लाल पीला होने लगा और कहने लगा कि बता कहाँ है वह दूसरा शेर, मैं अभी उस दुष्ट को सबक सिखाता हूँ। तो देखो चित्र में बताया गया है, चौथे चित्र में, कि शेर खरगोश शेर को लेकर के पास जाता है और शेर कुएं में अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे लगता है कि वही सचमुच दूसरा शेर है। खरगोश ने कहा कि तुम्हारा देखिए इस कुएं में वह दुष्ट छिप कर बैठ गया है। शेर को लगा कि वहां दूसरा शेर है, इसलिए उसने गर्जना की, कुएं में से भी उसका प्रतिसाद आया। तो शेर को लगा कि वह कुएं में जो शेर है वह मुझ पर गुर्रा रहा है, इसलिए उसने आग देखा लगता और सीधा शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में तो कोई दूसरा शेर था नहीं, इसलिए वह शेर कुएं के पानी में डूब कर मर गया और खरगोश ने इसी तरह अपनी जान बचाई। तो सच में मित्रों, बल से भी ज्यादा ताकत हमें संकट के समय बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। जिस प्रकार खरगोश ने अपनी जान बुद्धि से बचाई, इस प्रकार वक्त आने पर हमें भी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अब इसके आगे इस कहानी का शीर्षक होगा चतुर खरगोश, या तो फिर खरगोश और सिंह। अब देखिए पेज नंबर 27 पर स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हाथी किस तरह से आता है, हाथी किस तरह से आता है। उसका उत्तर है हाथी धमक धमक आता है, उत्तर है हाथी
हाथी धमक धमकाता है। प्रश्न नंबर दो, नहाने के लिए हाथी सुंड में क्या होता है? नहाने के लिए हाथी सुंड में क्या होता है? तो उसका आंसर है, उत्तर है, नहाने के लिए हाथी अपने सुंड में पानी भरता है। प्रश्न नंबर तीन, हाथी क्या खाकर बताता नहीं? हाथी क्या खाकर बताता नहीं? उसका उत्तर है, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी कितने केले खाता है यह बताता नहीं है। प्रश्न नंबर चार, हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों हाथी अपनी सूंड में भरकर पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है। चित्र में जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसमें हाथी का चित्र दिया गया है तो उसमें कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। उसे पूरा करना है और पूरा करने के बाद चित्र में रंग भरना है। देखो, एक उसका पैर बनाना है, उसकी पूंछ बनानी है हमें, उसके दांत, उसका कान, ये सब हमें बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। यहां हमारे इकाई हमारा एकम धमक धमकाता हाथी का यह पूरा होता है। तो आपको इस कविता का स्वाध्याय तैयार करना है और फिर अपनी वर्कबुक को भरना है।